Hi guys, welcome back to my channel. So today is 19th of October और आज मेरा है पहला एग्जाम. सो आज मेरा 3 सिटिंग्स है, मीन्स 8 बजे से लेके 6 बजे तक. सो ब्लॉग में बने रहो, क्या क्या करते हैं आज के दिन, मतलब एग्जाम देने के बाद या एग्जाम के साथ साथ. सो ये ब्लॉग आई थिंक ये मेरा 2-3 लास्ट ही ब्लॉग होगा इस कॉलेज में. सो अभी पहले जा रहे हैं नाश्ता करने, तो फिर आपसे बात करते हैं. कॉलेज आ चुके हैं और अब हम लोग देखने जा रहे हैं अपना रोल नंबर तो मिल गया है, पर अब सीट देखने जा रहे हैं कहाँ है. ये हम लोग का सीट है, हम लोग यहाँ बैठ रहे हैं. ये देखिए गाइस, हम लोग का रोल नंबर. सब हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और नीचे काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है और क्लास ढूंढने के लिए. सो हम लोग का कहीं भी सीट नेम नहीं है ना रोल नंबर है, इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं. यस गाइस, और हम लोग यहीं बैठ के एग्ज़ाम भी देंगे. और सब फ्रेंड मेरी, सबको सीट मिल गया, मेरा ही हाथ पर नहीं मिलता है. तो अब जहाँ रह जाते हैं ऑलवेज, इस बार जहाँ मिलेगा वहीं बैठ के पेपर फाड़ देंगे. Few moments later. अरे बहुत अच्छा, सारा पेपर लिख दिया पूरा पूरा एकदम लॉन्ग शॉर्ट एवरी. रोल नंबर कितना है प्रिया? 343. अपने ही क्लास में? किस क्लास में? ऊपर आर्ट्स ब्लॉक के ऊपर. हम बता रहे हैं सबका रोल नंबर. जीरो अंकिता, इसका भी एग्जाम बहुत अच्छा गया. तो हम लोग जा रहे हैं अपने क्लास में. सो चलिए चलते हैं गाइस. नंदिनी भी आ चुकी है, इसका भी एग्जाम स्टार्ट होने वाला है. गाना एक भी नहीं सुने. बहुत हल्ला कर रहे हैं लोग. गाने एक भी नहीं सुने. सुनाते हैं तो नंदिनी, हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश नंदिनी? वेरी बेकार. सो आर यू प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम? गाइस प्लीज, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए. हमारा सेकेंड एग्जाम कब का खत्म होगा और खा के हम लोग अभी हो गए रेडी थर्ड एग्जाम के लिए और ग्राउंड भी खाली हो गया. अंकिता भी मेरे साथ है गाइस, कोई कंपनी नहीं रहा नहीं बच्चा. दो बज ही नहीं रहा इतने देर से, इतनी देर से वेट कर रहे 2 बजने का, बट 2 बजने का नाम नहीं ले रहे. और मेरे को 1 घंटा हो गया वेट करते करते. पता नहीं कब एग्ज़ाम स्टार्ट होगा और सब कुछ चला गया, मेरा कोई फ्रेंड नहीं बचा है. सो गाइस मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो रही हूँ और नींद भी साथ में बहुत ज़्यादा आ रहा है. एकदम खाली खाली सा लग रहा है. देख रहे हो गाइस, ग्राउंड भी बिल्कुल खाली हो गया क्योंकि बस शोशी हो बच्चा. सो गाइस मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है अभी जितना था और अब हम जा रहे घर. 4:30 बज रहा है. सो और मेरे को बहुत गंदा नींद आ रहा है. अच्छा पेपर गया, सारा पेपर बहुत अच्छा गया. अब रिजल्ट देखते क्या होता है. गाइस पूरा कॉलेज खाली खाली सा हो गया, अब हमें चलते हैं घर गाइस. गाइस मैं घर आ चुका है, सॉरी मैं घर आ गई हूँ गाइस. और खाना वाना खा लिया और अनशन गया है कोचिंग. मानी गई है कोचिंग और दीदी की तबीयत ठीक नहीं है तो दीदी सो रही है. और गाइस मेरे को बहुत नींद आ रहा है. कहने को ठंड का मौसम आ चुका है, अक्टूबर मिड अक्टूबर हो गया और अभी तक ठंड का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा पटना में. और गर्मी इतना है जिसके कारण मैं सर में दर्द हो गया. आज मैं ग्राउंड पर इतना मतलब चक्कर मार ली इधर से उधर करने में. सो मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है और अभी पता नहीं कितना भी बज रहे हो. अब मैं जा रही हूँ सोने एंड सो के मिलती हूँ. मिली इस बीमार लड़की से जो खा रही है सेब. कितने रुपये में सेब खा रही हूँ? तो गाइस इतना एटीट्यूड है इस लड़की का, सब चकनाचूर हो जाएगा. सॉरी गुपचुप चुरा लिया, नहीं खाना हम काट देंगे इसका, एक पीस कट गया, हम बोलेंगे दीदी खा लिया. तो अभी हम लोग जा रहे गुपचुप निकालते हैं गाइस और खाते हैं. The next day. तो कॉलेज
पहुंच गए एंड काफी ज्यादा लेट हम ये सब आए हुए हैं और अभी मैं जा रहा अपना सीट ढूंढने, तो लेट्स सी कहां है इस बार। उनकी तो 19 का लगा है, नहीं लग रहा छपड़ी कॉलेज नहीं मिलेगा। इतना ज्यादा रश हो रहा है और हम लोग अपना सीट ढूंढे, चलो यार प्लीज सीट ढूंढो, फिर नहीं मिलता है। इतने जो यात्रीगण आ रहे हैं एग्जाम देने के लिए चोर लग रहा है। सो गाइस ये यात्रीगण यहाँ पर जो है ये लोग एग्जाम देने और ये लोग नीचे बैठ के बकैती कर रहे हैं, लोग अपने क्लास में नहीं बैठे गाइस। यस गाइस हम लोग सबको ताड़ रहे, कौन क्या कर। सो गाइस अभी एग्जाम खत्म हो गया और मैं फिर से इन लोग के पास आ गई। नाश्ता चल रहा है, हम लोग आ चुके कैंटीन में, भूख लग गया। सो दिखाते क्या खाने के लिए लिया हमने। हमने लिया लिट्टी और एकदम मार पड़ा हुआ है लिट्टी लेने के लिए, वहाँ देखिए हम लोग खा रहे इसमें। गाइस घर आ चुकी हूँ और यहाँ हम लोग का चल रहा है कोल्ड ड्रिंक बिस्किट। गाइस 12th क्लास नहीं हुआ दीदी, हुआ ना के नहीं थे जाके। सो ये लोग अपना पढ़ रहा है और ये स्कूल छोड़ दिया है 2 सप्ताह के लिए गाइस। रीजन जानिएगा ना कि काहे ला छोड़ा है, तो इतना हंसी आएगा कोई बात नहीं है। मैं तेज बनूंगी, वो बच्ची सी तुम हो। सो गाइस मम्मी जा रही है अपने लाल गोपाल से मिलने। सो गाइस मम्मी का ये रियल आइज है, आप देखो ऐसा कोई फिल्टर नहीं लगाते हम, और तबीयत देखो उसका ठीक नहीं हल्का। पापा भी जा रहे हैं लेके माँ को। इतना दम।